नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। विधायक चमरा लिंडा ने शुरू की किसानों के लिए अनोखा पहल। अब पंजाब और हरियाणा के किसानों को मात देंगे झारखंड के लाखों किसान। विधायक जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। नमस्कार, मैं राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड के बिशनपुर विधायक चमरा लिंडा झारखंड में गुजरात मॉडल को लागू कर झारखंड को पंजाब और हरियाणा से आगे ले जाना चाहते हैं, ताकि यहां के किसानों का आय दोगुनी की जा सके और उनका जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। इसके तहत उन्होंने गांव-गांव में अपने निधि से सोलर युक्त पंप सेट का वितरण किसानों के बीच करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी सराहना की जा रही है। इस कार्य से किसान बेहद खुश है। आदिवासी बाहुल्य बिशुनपुर विधानसभा में तीसरी बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे सचेतक सब बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा आदिवासी किसानों के लिए बेहतर काम करने के कारण ही उनकी पकड़ आदिवासियों के बीच मजबूत होती चली गई। विधायक चमरा लिंडा मानते हैं कि खेत खलिहान से लेकर आदिवासी सरना मसना और उनकी संस्कृति की रक्षा होगी, तभी हमारा राज्य खुशहाल होगा। अधिकाधिक फसल होने से आदिवासियों के चेहरे में चमक आएगी और देश उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। इसी के उद्देश्य बिशनपुर विधायक ने भागीरथी प्रयास करते हुए अपने मद से पिछले वर्ष प्रथम किस्त में 1 करोड़ रुपए की राशि से 40 किसानों के बीच सोलर युक्त पंप सेट का वितरण करते हुए उन्हें खेती के लिए प्रोत्साहित किया। जब परिणाम बेहतर निकलने लगे तो किसानों के साथ विधायक भी उत्साहित हुए और उन्होंने पुनः वर्ष 2022 में अपने मद की कुल 1 करोड़ की राशि से 40 ग्राम सभा के 40 किसानों के बीज और ऊर्जा से संचालित पानी मशीन देने का निर्णय किया। किसान इस और ऊर्जा संचालित पंप सेट को लेकर बेहद खुश है और विधायक के इस प्रयास को किसानों ने भागीरथी प्रयास कहा है। घाघरा के 5 पंचायतों में घाघरा आरंगी चुनरी हेंट आदर्श समेत लाभान्वित होने वाले गांव के दर्जनों किसानों का कहना है कि झारखंड के प्रत्येक विधायक यदि इस तरह किसानों के हित में सोलर ऊर्जा से संचालित पंप सेट का वितरण करती है तो निश्चित रूप से झारखंड के किसान किसानी कार्यों में पंजाब और हरियाणा को मात दे सकते हैं। देख रहे हैं आप माननीय विधायक श्री चंद्रन के द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक प्रयास से सोलर सिंचाई पंप का उन्होंने किसी को मतलब कृषि को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा इस तरह का योजना का शुभारम्भ किया गया, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और कृषि क्षेत्र में वो बढ़ावा दे पाए। इससे पहले भी घाघरा प्रखंड के 5-6 पंचायत में 40 कृषियों का सिंचाई मशीन का वितरण किया गया, जिससे घाघरा हो गया, चुनरी हो गया, अर्घी हो गया, आपका हेठादर हो गया, तमाम क्षेत्रों में 40 कृषि का सिंचाई मशीन का वितरण किया गया। इस संबंध में जीएन भारत ने जब विधायक श्री चमरा लिंडा जी से बात की तो विधायक ने कहा कि झारखंड के गांव से किसान पलायन ना करें, उनका जीवन खुशहाल होगा। बच्चे स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ाई कर लें,
और गरीब किसान परिवार को पेट भर भोजन मिल सके, इसी उद्देश्य उन्होंने इसकी शुरुआत की है। परिणाम बेहतर निकल रहा है। आने वाला समय में एक भी किसान पंजाब हरियाणा हमारे गांव में ईंट भट्टा पलायन ना करे। मेरे विधानसभा में ज़्यादातर पलायन होता है, लोग एक फसल करने के बाद में बाहर चले जाते हैं ईंटा भट्टा वगैरह। तो हम चाहते हैं कि दो तीन फसल हो और उसमें लागत ना लगे, पेट्रोल और डीजल ना लगे, इसलिए सोलर एनर्जी से हम लोग पटाने का मशीन लिए हैं। अब उसको बांटने जा रहे हैं, 1 करोड़ का इस बार हम लोग लिए हैं, इसको बांटेंगे। लास्ट ईयर 1 करोड़ का फिर लिए थे, उसको बांटे हैं। तो इस तरह से उन लोगों को स्वावलंबी बनाने का, हमारे विधानसभा क्षेत्र के गरीब लोगों को खेती बाड़ी में ज़्यादा इन्वॉल्व कराने का और बाहर ना जाए, पलायन ना करे, उसके लिए एक प्रयास है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरे झारखंड में पहला होगा, मगर हम लोगों के दिमाग में यही था कि हम लोग को पलायन रोकना है और जाने से रोकना है। तो वो अपने बच्चों को भी ले जाते हैं। अब ऐसा होगा तो जाहिर है कि खेती बाड़ी करेंगे और गांव में स्कूल में बच्चे भी पढ़ते रहेंगे, इनकी खेती भी होगी, इनकी इनकम भी होगी और गांव में ही रह जाएंगे। तो कारगर हो रहा है क्या? हाँ, कारगर हो रहा है। बल्कि पंजाब और हरियाणा से किसान यहां आकर रोजगार सृजन का काम करेंगे, इसी उद्देश्य यह कार्य प्रारंभ किया गया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।